Yes, please. Good afternoon, everyone. On behalf of the Department of Political Science, I welcome you all, especially Sri Acharya Harish Ji. And Acharya Harish Ji, who is a Vedanta scholar from Chinmaya International Foundation and Sandipni Ashram Ujjain, he is also awarded with Srijan Award Yoga 2017. He is an MA in Value Education and Spirituality. Now I request Acharya Ji to please add on to it. Please, Acharya Ji. Thank you. And I welcome you all. Thank you, sir. शुरू करते हैं आज का सेशन. मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं विवेकानंद जी का नाम मेरे सामने है और उन कॉलेज के उन स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ जो इस खास जो शब्द है स्वामी विवेकानंद जी, ये अपने आप में बहुत सारी बातें लिए हुए हैं. जो जहाँ तक मेरी स्टडी है, जहाँ तक मैंने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा है, एक जो उनका कोट है जो हम सब में प्रसिद्ध है, उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक बढ़ते रहो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर लो. अब जो ये लक्ष्य शब्द है, लक्ष्य एम, एम ऑफ लाइफ, एक्चुअली विवेकानंद जी का जो एम ऑफ लाइफ था वो इतना ज्यादा स्ट्रोंग था या इतना ज्यादा डिवाइन था, एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस के लिए वो वर्क कर रहे थे जिसको आज, जिस पे आज विज्ञान भी काम कर रहा है, आज साइंस भी उस कॉन्शियसनेस लेवल पे काम कर रही है. आज साइंस भी इस बात को समझ रही है कि डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं. अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस के लेवल के साथ अटैच्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, योगा, तो उसके लिए अपने जीवन में कुछ भी करना आसान हो जाता है, जैसा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में हुआ. जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो वर्ल्ड रिलीजन का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें जब पार्टिसिपेट किया, उस वक्त हमारा देश गुलाम था, आजाद नहीं था और हम इतने डेवलप भी नहीं थे कि हमारी कोई बात सुने या हमारे हम किसी को अपनी बात बता पाए. उस वक्त एक पर्टिकुलर टाइप का जो करेज था जो उनको योगा से मिला था, जो एक लक्ष्य था, लक्ष्य इतना विचित्र था कि उनको इतनी सारी कठिनाइयां आई उस वर्ल्ड रिलीजन का जो कॉन्फ्रेंस था वहां तक पहुंचने में, लेकिन उसके बाद भी वो टिकमगाई नहीं. ये जो कमाल हो रहा था ये योगा से हो रहा था, ध्यान से हो रहा था. आज हम बात करते हैं, आज एंट्रेंस टेस्ट आपको मालूम है, आप स्टूडेंट कहेंगे हर जगह पे एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता है, किसी भी जगह पे एडमिशन लेना हो तो एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता है और उस एंट्रेंस टेस्ट की मदद से, एंट्रेंस टेस्ट की मदद से हमें एडमिशन दिया जाता है. नालंदा विश्वविद्यालय में, जब हिंदुइज्म की बात करूंगा मैं, नालंदा विश्वविद्यालय में जो ये एंट्रेंस टेस्ट शब्द आया तब जो है द्वार जो परीक्षण बोला जाता था कि द्वार पे ही जो है देख लिया जाता था स्टूडेंट्स को, द्वार पे खड़े होकर थोड़ी सी बातचीत करके, इस तरह के टेस्ट नहीं होते थे जिस तरह के आज है, द्वार पे थोड़ी सी बातचीत करके पता लग जाता था कि ये व्यक्ति किस चीज के लिए योग्य है और इसको नालंदा विश्वविद्यालय में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तीन कंडीशंस होती थी, केवल तीन कंडीशन. पहली कंडीशन जो ये होती थी कि आपको सुनना आना चाहिए, कि जो भी स्टूडेंट नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिट होगा, एडमिशन लेगा, उसको सुनना आना चाहिए. हालांकि देखने में ये और बात करने में बड़ी अजीब बात लगती है कि सुनना आना चाहिए, ये किसी जगह पे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की कैसे एक एलिजिबिलिटी हो सकती है, कि ये एलिजिबिलिटी थी कि क्या आपको सुनना आता है. दूसरी एलिजिबिलिटी ये थी कि क्या आपको सुनने के बाद मनन करना आता है, यानी कि उस पर सोचना आता है,
तीसरी एलिजिबिलिटी ये थी कि क्या मनन करने के बाद उसको आपको अपनी जिंदगी में उतारना आता है। ये तीन एलिजिबिलिटी कंडीशन थी नालंदा विश्वविद्यालय की। सुनना आना चाहिए पहली कंडीशन। सुनना आना चाहिए का मीनिंग क्या था कि जब आपको कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा होगा, जब कोई बोल रहा होगा, तो आपका माइंड इतना कंसंट्रेट होगा कि वो कहीं भी ना भागे। वहां पे आप उस कॉन्शियसनेस लेवल को छू पाएंगे कि आपका माइंड इधर से उधर ना भागे, केवल इस कंडीशन पे। बाकी आपको कुछ भी पढ़ाना है, आपको शास्त्र पढ़ने हैं, आपको किसी प्रकार का कोई विज्ञान पढ़ना है, आपको तकनीक पढ़नी है, वो तकनीक के बारे में, शास्त्र के बारे में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते थे। वो एक सिंपल सी बात पूछते थे कि क्या आपको सुनना आता है, क्या सुनते वक्त आपकी 100% जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, जो आपकी चेतना है, क्या सब्जेक्ट पे होती है। बस इतनी कंडीशन होती थी। जब सुनते हैं ना, जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान सुनने पे होता है, तो एक कमाल की कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम होते हैं। इस वक्त जो हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है वो कमाल का होता है। सारा का सारा जो नॉलेज है इस बात पे डिपेंड करती है कि आपको सुनना आता है, केवल सुनने आने से। जिसको सुनना आ गया उसको मनन करना भी आ जाएगा, जिसको मनन करना आ गया उसको निध्यासन करना भी आ जाएगा, यानी कि जीवन में उस सत्य को उतारना भी आ जाएगा। क्योंकि सुनने से अगर आप पूरी कंसंट्रेशन का प्रयोग कर पाए तो इसका मतलब आप नालंदा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होने के लायक हैं। केवल आपको सुनना आता है तो, और कोई कंडीशन नहीं चाहिए। आज का जो विज्ञान है, आज की जो मॉडर्न जो डिस्कवरी है इस मामले में, आज वो भी यही बात कह रहे हैं। आज वो भी कह रहे हैं कि किसी भी बात को सीखने के लिए आपके पास कंसंट्रेशन का लेवल कितना है। अगर आपके पास कंसंट्रेशन का लेवल बढ़िया है तो आप उस बात को अच्छे से सीख सकते हो, अगर कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा नहीं है तो आप उस बात को अच्छे से नहीं सीख सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने ये सारी हदें जो है पार कर रखी थी। उन्होंने कंसंट्रेशन पे इतना ज्यादा वर्क किया कि आज भी हम उस लेवल की जो कंसंट्रेशन थी आज भी हमें देखने को नहीं मिलती हमारे देश में। मैं स्वामी जी के बारे में पढ़ रहा था कि वो एक कुछ क्षणों में एक पूरी की पूरी किताब को पढ़ के उसको ना केवल पढ़ डालते, याद भी कर डालते। ऐसा हुआ है, हम उनकी जीवनी में ये बात पढ़ते हैं। और जब स्वामी जी से ये बात पूछी जाती थी कि ऐसा किस तरीके से आप कर रहे हैं, ऐसा कैसे करते हैं, तो सिंपल सा आंसर होता कि कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता। एकाग्रता में वो शक्ति है जो आपको आपका लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, आपको ये डिफाइन कर सकती है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारी समस्या ये है कि हमारे जीवन के लक्ष्य हैं वो उधार लिए हुए हैं, हमारे अपने नहीं। क्योंकि जिस दिन हमें अपना लक्ष्य मिल गया, जिस दिन हमने अपने लक्ष्य को पहचान लिया, अपने एम को पहचान लिया कि मेरा एम क्या है, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत मुझे उस एम को प्राप्त करने में हेल्प करेगी ही, कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। हमारी समस्या ये है कि हम लक्ष्य को, अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचते ही नहीं। यही बात, ये बात जुड़ी हुई है सुनने से। अगर आपको सुनना आता है, सुनने का मतलब ये है कि जब बात कही जा रही हो, या जब किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हो, या जब किसी आचार्य को सुन रहे हो, जब किसी बड़े टीचर को सुन रहे हो, तो आपका जो माइंड है वो रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं जाए। अगर इस तरीके का माइंडसेट हमारे पास है तो हमारा लक्ष्य अपने आप हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, जैसे स्वामी जी के पास आके खड़ा हुआ था। जब स्वामी जी अमेरिका की, जब उन्होंने शिकागो की यात्रा की, तो उनके पास धन की बेहद कमी थी। कहीं से धन की व्यवस्था हुई तो उन्होंने वो यात्रा प्रारंभ की। उस वक्त पानी के जहाज से यात्राएं होती थी। उसके बाद जब वो अमेरिका पहुंचे तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम उनके सामने आई। बहुत उनका सामान उठा लिया गया, उनको निरादर की दृष्टि से देखा गया। उनके जो उस वक्त के जो हमारे वेशभूषा होती थी उसको हैरानी से देखा गया। लेकिन स्वामी जी
का लक्ष्य जो था वो बिल्कुल क्लियर था। क्यों क्लियर था? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा था। बिना कॉन्सेंट्रेशन के लेवल के, बिना कॉन्शियसनेस के एक पर्टिकुलर लेवल के, जिंदगी हमें भटकाती है, हमारा माइंड जो है हमें भटकाता है। अगर हमारे माइंड में बहुत सारे विचार उठ रहे हैं, अगर हमारे माइंड में बहुत सारे नेगेटिविटी पैदा हो रही है, नेगेटिव विचार उठ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी कॉन्सेंट्रेशन का लेवल बहुत वीक है। केवल कॉन्सेंट्रेशन के लेवल को बढ़ाने से केवल हम इस दुनिया में वो अचीव कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल हो। केवल कॉन्सेंट्रेशन के लेवल को बढ़ाने, स्वामी विवेकानंद जी इसके सबसे खास एग्जाम्पल है। जिस वक्त देश गुलाम हो, उस वक्त आप उस देश का के धर्म की फिलोसफी की अगर ध्वजा वहां पे लहरा के आ जाओ तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो गुण है, जो धैर्य का गुण उनके अंदर था और अपनी बात को रखने का गुण उनके अंदर था, एक आत्मविश्वास था, एक कॉन्फिडेंस था, वो केवल और केवल उस एकाग्रता के कारण था जो उन्होंने योग और साधना से प्राप्त की थी। आज एकाग्रता भी पूरा विश्व काम कर रहा है, लेकिन आश्चर्य इस बात का होता है कि हम भारत में रहते हुए इस बात पे काम नहीं कर रहे, इस बारे में नहीं सोच रहे। हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। मैं फिर से कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अपना लक्ष्य पता चल गया वो जीवन में तूफान खड़ा कर देगा, उसको उसके लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरी जिंदगी में स्वामी विवेकानंद बेस्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद स्वामी योगानंद जी हैं जो उनके बाद आए। जिसने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, लेकिन ये बिना कॉन्सेंट्रेशन के नहीं होता। आज हमारे लक्ष्य डावाडोल होते रहते हैं, हम कभी किस बात के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं अपने आप से, कभी हमारा लक्ष्य क्या हो जाता है, कभी हम क्या बनना चाहते हैं, कभी हम क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो विचार है, हमारे अंदर जो विचारों की स्ट्रेंथ है वो इतनी बिखरी हुई है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है ही नहीं कि हमें पता चल पाए कि मैं चाहता क्या हूं। हर व्यक्ति यूनिक है, हर इंस्ट्रूमेंट यूनिक है अपने आप में, हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, आपका लक्ष्य मेरा लक्ष्य नहीं हो सकता, डिफरेंस है, क्योंकि मेरी केमिस्ट्री अलग है, आपकी केमिस्ट्री अलग है। लेकिन हम जमाने को देख के, ट्रेंडिंग को देख के अपना लक्ष्य निर्धारण करना चाहते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लक्ष्य वो होता है, काम वो होता है जब माइंड और बॉडी दोनों एक साथ मिलकर काम करें। हम जब काम कर रहे होते हैं, बॉडी अलग काम कर रही होती है, माइंड अलग काम कर रहा होता है। हमारा माइंड भागता क्यों है हमारे काम से? हमें अपना काम अच्छा क्यों नहीं लगता? हमें क्यों अपना काम करना पड़ता है? हम 24 आवर अपने काम पे क्यों नहीं होते? केवल इसलिए क्योंकि जो लक्ष्य हम निर्धारित कर रखा है वो हमारा खुद का लक्ष्य नहीं है। जिसका लक्ष्य उसके जिंदगी के अंदर से पैदा हुआ होगा, जिसका लक्ष्य उसकी आत्मा से पैदा हुआ होगा, जिसका लक्ष्य एकाग्रता के बाद विचार करने पे पैदा हुआ होगा, उसको वो अपने लक्ष्य से भाग ही नहीं सकता, जैसे स्वामी विवेकानंद जी थे। इतनी एडवर्स कंडीशन में उनके सामान चोरी हो गया और वो उसके बावजूद भी इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास कि वो सड़क पे चले जा रहे हैं और ये सोच के कि उन्हें वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में भाग लेना ही है। ओनली बिकॉज ऑफ एम और उनके बीच में एक इस तरह की बॉन्डेज थी, एक इस तरह का अट्रैक्शन था कि वो अपने एम से अलग हो ही नहीं पाई जिंदगी भर। लेकिन हमें आज मैं देखता हूं कि आज हमारे अंदर वैल्यूज कम होती चली जा रही है। टॉपिक का नाम है डिस्कवर यूर सेल्फ। क्या डिस्कवरी करें अपने अंदर? हम भागे चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, कैसे डिस्कवरी करें? एक अंत दौड़ में हम भागे चले जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। हम सोच नहीं रहे अपने बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, अपने परिवेश के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी साइकोलॉजी के बारे में, अपनी फिलोसफी के बारे में। बहुत सारे वर्ड हैं लेकिन आराम से समझ आने वाली चीजें हैं केवल रुकने से। इसलिए मैंने शुरुआत की बात की, बात जो मैंने शुरू की इस बात से शुरू की कि नालंदा विश्वविद्यालय में जब एंट्रेंस टेस्ट होता था तो कंडीशन होती थी, खाली नालंदा विश्वविद्यालय में नहीं, ये मशहूर विश्वविद्यालय इसलिए मैंने नाम दिया, जितने भी गुरुकुल थे, किसी की एलिजिबिलिटी का जो मापदंड था कि उसको सुनना कितना आता है, इसलिए बात मैंने शुरू की सुनने से।
क्योंकि सुनने का संबंध एकाग्रता से है। जब आप सुन रहे होते हो किसी बात को तो आप पूरे एकाग्र होते हैं। जितना ज्यादा आप सुन रहे होंगे, जितना ज्यादा आपने माइंड को सुनने में लगा रखा होगा, इतनी ज्यादा आपके पास एकाग्रता होगी। और कमाल के गुण छिपे हुए हैं इस एकाग्रता। एक बार एकाग्रता हासिल होगी, क्योंकि एकाग्रता जैसे हासिल होती है वैसे पीस ऑफ माइंड हासिल हो जाता है, वैसे रिलैक्सेशन फॉलो करती है। एकाग्रता को फॉलो करती है रिलैक्सेशन। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने काम में फुली एकाग्र होकर, फुली कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे तो हम उतने ही रिलैक्स हो जाएंगे। जबकि आज उल्टा होता है, आज हम काम करते हैं थक जाते हैं। क्यों नहीं थकते थे स्वामी विवेकानंद जी, क्यों नहीं थकते थे स्वामी योगानंद जी और बहुत सारे महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, विदेश में, बाहर की कंट्रीज में? क्योंकि उनका लक्ष्य उनका खुद का होता था, उनका लक्ष्य उनको आराम देता था, उनका काम उनको आराम देता था। आज हमें मूड बनाना पड़ता है कि चलो भाई आज काम का मूड बनाते हैं, आज मूड नहीं है। वहां उल्टा होता था। फिर बात शुरू होगी एकाग्रता से। एकाग्रता में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि एक बुद्धिज्म का एक मेडिटेशन है, जिस मेडिटेशन में वो उसको बोलते हैं टू माइंड मेडिटेशन। उसमें वो जो जो टेम्परेचर है, जैसे तिब्बतियन जो बुद्धिस्ट हैं वहां पे जो तपस्या कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, एक खास तरह की मेडिटेशन होती है जिसमें वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा लेते हैं। और वो उस टेम्परेचर में, जहाँ -25 डिग्री, 20 डिग्री टेम्परेचर में, वो खाली शरीर पे एक आधा कपड़ा डाल के केवल ढकने के लिए बड़े आराम से घूमते हैं। अब उसमें वो क्या कर रहे हैं, अगर उसकी फिलोसफी में, उसकी साइकोलॉजी में आप जाओगे तो वहां पे वो केवल कॉन्सेंट्रेट होके अपने अंदर केवल पॉजिटिव विचार लेके आ रही है। अगर आप उस मेडिटेशन के बारे में पढ़ोगे, उसमें वो क्या करते हैं, इतना होने के बावजूद भी, वो इतनी ठंड होने के बावजूद भी, इसके बाद एक वो और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वो एक कपड़े को बर्फ के पानी में भिगोते हैं और अपने चारों ओर लपेटते हैं और फिर उनके शरीर की गर्मी से वो कपड़ा सूख जाता है। इस तरह की मेडिटेशन तकनीक आज भी है। उसको वो साफ तौर पर बोलते हैं कि हम एकाग्रता की शक्ति से करते हैं। एकाग्रता की शक्ति से हम केवल और केवल पॉजिटिव विचारों को अपने अंदर लेके आते हैं और वो पॉजिटिव विचार हमारे शरीर को गर्मी देते हैं। नेगेटिव विचार ऊर्जा को खींचता है, पॉजिटिव विचार ऊर्जा को पैदा करता है। बस उस ऊर्जा को हम चैनलाइज करते हैं और अपने शरीर को, ये साइंटिफिक बात है, इस पर बहुत सारी रिसर्च हुई है और आप उसको देख सकते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन जब आएगी तभी लक्ष्य आएगा, और कॉन्सेंट्रेशन आएगी तभी जो है रिलैक्सेशन भी आएगी। जो ये हड़बड़ाहट की जिंदगी है, हम भाग रहे हैं इधर उधर, यहाँ वहां हड़बड़ाहट में, हमारा माइंड कभी सुकून में नहीं होता, परेशानी में होता है हमेशा, क्योंकि हमारे पास चेतना की शक्ति नहीं है। हम रुकते नहीं है, हमारा माइंड रुकता ही नहीं है। कुछ पलों के लिए अगर हम हमारे माइंड को रोकना सीख लें तो हमें मैजिक समझ आ जाएगा एकाग्रता क्या है और खुद की डिस्कवरी क्या है। डिस्कवरी तो करेंगे ना जब हम रुकेंगे। खुद के अंदर डिस्कवर कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, धैर्यता पैदा कर सकते हैं, शांति पैदा कर सकते हैं, लड़ने का जज्बा पैदा कर सकते हैं, केवल और केवल एकाग्रता की शक्ति से। ध्यान में एकाग्रता सिखाता है। आज मैं हैरान होता हूं कि इतनी ज्यादा डिस्कवरीज मेडिटेशन पे, खासतौर पे कॉन्शियसनेस के लेवल पे हो रही है। मेरा चैनल योगा माइंड लाइफ में हम लोग उस पे वीडियो पब्लिश करते रहते हैं, मॉडर्न डिस्कवरी पे, हमारी अंशन टेक्निक्स पे, कि किस तरीके से हमारे योगी जन जो है, हमारे पास जो संपदा है, इष्ट ने जितना भी काम किया माइंड पे किया है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो विज्ञान है वो इष्ट की तरफ बढ़ रहा है, उन्हीं थॉट्स की तरफ बढ़ रहा है जो हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने हजारों साल पहले रिसर्च करके छोड़ रखी है। तो डिस्कवर हम अपने अंदर कर सकते हैं। डिस्कवरी का जो टूल है हमारे पास, हमारा माइंड है।
बड़े मजे की बात है कि हम शरीर के लिए हजारों चीजें करते हैं, हजारों कार्य करते हैं शरीर के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी साबुन यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं, क्रीम्स यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, लेकिन मन को सुंदर बनाने के लिए हम कुछ भी नहीं करते, हम सोचते भी नहीं इस बारे में, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो हमारा मन है। अगर हमारा माइंड में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है इस बात पे बेस्ड है कि तन को कैसे ठीक किया जाए। नॉलेज लेने का जो तरीका मैंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय से मैंने शुरुआत की, आज एंट्रेंस टेस्ट होता है एक मेडिकल स्टूडेंट का, तो बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज इंजीनियर का है तो इंजीनियर से संबंधित, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब बात नालंदा विश्वविद्यालय की मैं कर रहा हूँ, वहां पे एलिजिबिलिटी, वहां पे भी डिपार्टमेंट थे, अगर हम उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट थे उस वक्त, लेकिन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक ही था कि आपको सुनना कितना आता है, क्या सुनना आता है आपको, ठहराव कितना है आपके विचारों, इस बात पे एडमिशन होता था। लेकिन आज और डिस्कवर क्या होता था, डिस्कवरी क्या होती थी, हमने टॉपिक लिया डिस्कवर यूल्स है, क्या डिस्कवरी कर सकते हैं इस ह्यूमन मशीन के अंदर, कुछ भी पैदा किया जा सकता है इस ह्यूमन मशीन के अंदर। टूल है एकाग्रता, टूल है कि कितनी सहजता है आपके अंदर और वो प्राप्त की जा सकती है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एकाग्रता नहीं है तो कोई बात नहीं, एकाग्रता को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे ऋषियों ने इस बात को समझाया कि हमारे जीवन का लक्ष्य अगर हमारे सामने कोई लाके खड़ा कर सकता है तो एकाग्रता कर सकती है, और एकाग्रता कौन लेके आएगा, एकाग्रता हमारे पास योगासन है, हमारे पास प्राणायाम है, हमारे पास ध्यान की अद्भुत विधियां हैं जिनसे हम एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। जब तक एकाग्रता नहीं आएगी तो जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं होगा, हम इसी तरीके से भागते रहेंगे, सब कुछ हम हासिल कर लेंगे, बहुत कुछ हासिल कर लेंगे लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होगा। जब एकाग्रता हासिल हो जाती है और वो एकाग्रता जब जीवन के लक्ष्य को हासिल करवा देती है तो व्यक्ति थकता नहीं है काम में, इस बात को याद रखिएगा, कभी भी नहीं थकेंगे अपने काम में। अगर आज आप अपने काम से थक रहे हैं, आज आपको अपने काम से छुट्टी चाहिए, तो इट मीन आप अपने काम के लिए नहीं बने हैं, या जो आप काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए नहीं बना है। ये नियम है, बहुत बड़ा नियम है ये, कि अगर आप को अपने काम से छुट्टी चाहिए, बस इतनी बात से, अगर आप संडे का इंतजार कर रहे हैं इसका मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम आपके लिए नहीं बना है। और आप अगर स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट से ही बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट हैं तो फिर आप अपने माइंड को रिफाइन कीजिए विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। केवल 15 मिनट से शुरुआत कीजिए या 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, आप मैजिक देखिए। आप एक प्रोजेक्ट ले लीजिए कि मैं 40 डेज के लिए रोजाना, आप ग्रुप बनाइए अपने कॉलेज में कि 15 मिनट्स से हम मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे, ओनली 15 मिनट्स रोजाना, आप मैजिक देखिए उससे क्या होता है, एकाग्रता हासिल होती है, उस एकाग्रता से क्या क्या विचार पैदा होते हैं, अच्छे पैदा होते हैं, बुरे पैदा होते हैं, आप मैजिक देखिए, करके देखिए। क्योंकि मैं जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूं, आप सब लोगों के साथ, हम लोगों का देह जो है वो जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उन पे काम करके उनको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारना है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने काम किया है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदली हैं, केवल उनसे उनको अपनी जिंदगी का लक्ष्य दिलवा के। जो ये परेशान करने वाले विचार है ना, जो दिन भर पैदा होते रहते हैं हमारे जो दिमाग में, ब्रेन में, माइंड में, उनको किस तरीके से डायरेक्शन दी जाए, किस तरीके से स्टिल किया जाए अपने आप को, किस तरीके से अपने आप को समझा जाए, लेकिन समझने के लिए रुकना होगा, रुकने के लिए एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता के लिए ध्यान चाहिए, ध्यान के लिए थोड़ा सा समय चाहिए डेली देने के लिए। आज विज्ञान कहता है कि पर्टिकुलर टाइप की कॉन्शियसनेस लेवल से अगर आप अटैच हो जाते हैं तो आपको उस काम को करने के लिए ऊर्जा मिलने लगती है,
जो बात पहले अध्यात्म कहता था, केवल अध्यात्म कहता था, एक हमारे यहाँ मेडिटेशन होती है कि आप मान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद जी की तरह बनना चाहते हैं, उस तरह के ओजस्वी बनना चाहते हैं, एक हमारे यहाँ मेडिटेशन होती है कि आप ध्यान में केवल उनका ध्यान कीजिए, स्वामी विवेकानंद जी को अपने ध्यान में लेके आइए। किसी भी महापुरुष को आप लेके आ सकते हैं, अक्सर अपने गुरु के बारे में कहा जाता है जिनको आप गुरु मानते हैं, तो क्या होगा, उस तरह के गुण आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे। यही कि यही बात आज विज्ञान कर रहा है, सेम डिटो, बस वर्ड्स अलग हैं, बस उनके वर्ड्स साइंटिफिक हैं और इनके वर्ड्स जो हैं स्पिरिचुअल आध्यात्मिक हैं। आज विज्ञान भी कह रहा है कि कॉन्शियसनेस के लेवल होते हैं, पर्टिकुलर लेवल से अगर आप अटैच हो जाओ तो उस तरह की जिंदगी आप जीने लगते हैं। अध्यात्म तो हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले ये बात कह चुका है। हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के कॉलेज के में हम एक टीम बना सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि क्या जो बात मैं बता रहा हूँ या बहुत सारी डिस्कवरीज बात पे हो चुकी हैं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो क्या ये सच है या नहीं है, क्या वास्तव में एकाग्रता प्राप्त करने से ये सब कुछ होता है जो मैं कह रहा हूं या जो स्वामी विवेकानंद जी ने करके दिखाया, इसमें हम पूरा वर्क कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बन सकते हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, ये बिल्कुल सच है, लेकिन मैं उस बात को सच मानता हूं जो जिसको मैं सिखाऊं वो भी इसको करे और अपनी जिंदगी में उस सत्य का स्वाद चखे। इस बात को ख्याल रखिएगा, अगर अपने आप काम को लेके अगर आप छुट्टी की वेट करते हैं, संडे की वेट कर रहे हैं, सैटरडे की वेट कर रहे हैं, इट मीन आप उस काम के लिए नहीं बने हैं। आपको अपने माइंड को रिफाइन करना होगा, आपको एकाग्रता को हासिल करना होगा और फिर आपको पता चल पाएगा कि एकाग्रता में शक्ति क्या होती है और उस शक्ति का प्रयोग कैसे होता है और जीवन किस तरीके से आसान होता चला जाता है। समय हो रहा है, लगभग 5 मिनट पड़े हैं, आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हो, या और लोग भी जो भी प्रेजेंट हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। लेकिन आज अगर हमने ये वेबिनार किया है तो हमें जो है इस पे काम करना चाहिए, जो जो बातें मैंने कही है, क्योंकि ये छोटा सा लम्हा है जो हमने जिसपे हमने काम किया, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है एक तरीके से, हमारे पास करने को बहुत कुछ है और हम जो भी करवाएंगे उसके पीछे हर फैक्ट के पीछे जो भी मेरे चैनल पे है या जिस पे मैंने काम किया है उसमें साइंस और अध्यात्म दोनों को एक साथ लेके मैं चल रहा हूँ। लॉजिकल माइंड को भी जवाब मिले और जो स्पिरिचुअल माइंड है उसको भी जवाब मिले। धीरे धीरे हम अगर हमारी इस तरीके से तालमेल रहा तो हम ये भी सीखेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से साइंस अध्यात्म की ओर बढ़ रही है, वो कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जहां अध्यात्म और साइंस एक जैसा सोचते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें इस दुनिया में हो चुकी हैं अब तक जहां पे आज साइंस और अध्यात्म एक मत है, जैसे भगवान का एक होना या भगवान का सर्वव्यापक होना या भगवान का कहीं पे भी प्रकट हो जाना, इस पे साइंस भी सहमत है और विज्ञान भी सहमत है। इस पे बात करेंगे कभी कि भगवान कहीं भी कैसे भी प्रकट हो जाते हैं, साइंटिफिकली किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है, इस पे भी बात करेंगे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मेडिटेशन है इसे हमें कैसे शुरू करना चाहिए, जैसे हम उसे करें कंसंट्रेशन के लिए तो हमें स्टार्ट कैसे करना चाहिए? उसके लिए हमारे पास गाइडेड मेडिटेशन की तकनीक है जिसमें कुछ नहीं करना, आपको ऑडियो लगाना है और पूरी गाइडेड मेडिटेशन है, उसमें कई प्रकार की योग निद्रा है और कई प्रकार की म्यूजिकल मेडिटेशन है, वो हम आप सबको भेजेंगे और वो आप कीजिए। बिल्कुल आसान तरीका है करने का, बिल्कुल ही ईजी, हम लोगों ने इतने ईजी तरीके बना रखे हैं कि कोई भी जिसने कभी जिंदगी में मेडिटेशन नहीं की हो वो भी मेडिटेशन कर लेगा, बिल्कुल गाइडेड वे बना रखा है। तो अब 2 मिनट पढ़े हैं,
अंजना जी आप कुछ कहिए इसको। सर सर मेरा नाम मुस्कान है और मैं विवेकानंद कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मेरा सवाल ये है आपसे कि हम लोग जिस लाइफ को अभी जी रहे हैं, जैसे हम मैं अंजना मैम हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, हमारा काम सर कोई एक तरह का काम नहीं है बल्कि हम मल्टी टास्किंग वर्क का नेचर हमारा हो गया है। एक ही साथ हमें अलग तरीके बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे अभी हम लोग टीचिंग का भी काम कर रहे हैं, साथ में साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो भी कर रहे हैं, तो इन मल्टी टास्किंग के बीच में हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे बना सकते हैं या अपने लक्ष्य को कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, एक ही समय पे हमें कई सारे काम एक साथ करने हैं, तो ऐसे में हम कैसे कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं और कैसे अध्यात्म के थ्रू स्पिरिचुअलिटी से हम जुड़ सकते हैं। बस ये 15 मिनट से आप शुरुआत कीजिए, एक बार मैंने आपको कहा ना कि आप एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कीजिए, फिर आपके माइंड बदलेंगे जैसे उस हिसाब से हम लोग गाइड करते रहेंगे। आप एक स्टार्ट केवल 15 मिनट की दीजिए, सुबह का समय लीजिए या कॉलेज में आने के बाद अगर समय मिल सकता है, ओनली 15 मिनट से आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि हमारा इसमें बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। आप देखेंगे जो जो आप मल्टीटास्किंग कह रही हैं इसी में से आपको समय मिलना शुरू हो जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम जो है वो अप हो रहा है, मीटिंग एंड होने को है, तो एक बार हम एंड करते हैं। तो ये क्वेश्चन राउंड और इसी पे मल्टीटास्किंग पे रहते हुए हम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएं उस पे हम आगे फिर एक लेक्चर रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपने इतना बहुमूल्य टाइम निकाल के हम लोगों को दिया और हम लोग बहुत सारी चीजों को आपसे सुने, और अभी से हम लोग थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करेंगे कि हम मेडिटेशन एंड इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करें। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू।